कोलकाता में मंदिरों को लेकर चर्चा किया जाए तो सबसे पहले जो नाम याद आते हैं वो है दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की। बहुत साल से ही इस मंदिर का नाम पश्चिम बंगाल में हर किसी की जुबां पे रहते आए हैं। तो पश्चिम बंगाल के बाहर के मित्रों, आप लोग शायद समझ गए होंगे इस मंदिर की लोकप्रियता कितनी है और हमारे लिए ये मंदिर क्या मायने रखती है। आज हम दक्षिणेश्वर की इस जगह के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और जर्नी एक्सप्रेस देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए दक्षिणेश्वर। तो इस जगह के बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता ही है। तो राजा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपका जो दक्षिणेश्वर आप देखोगे वो कुछ अलग ही है। बहुत सी नए नए डेवलपमेंट हुए हैं। जो हमारे जो बाहर से मित्र देख रहे हो हमें, वो तो अगर कलकत्ता घूमने अगर आना हुआ आपका इन नियर फ्यूचर में, तो दक्षिणेश्वर आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। आप अगर आप आओगे, हमारा वीडियो देखोगे, लेकर कुछ आइडिया कर सकते हो कि क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। फिलहाल में स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा कुछ काम किया है यहाँ पे, अच्छा लगता है ना मुझे। बहुत ही अच्छा है और पहले से बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ये जगह। तो आप हमारा वीडियो देखिए। देवाशीष बहुत जोवियल मूड में है, मैं भी काफी जोवियल मूड में हूँ। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, दिसंबर का महीना है। सोचा कि क्या करें, कहीं जाने का प्रोग्राम बन नहीं रहा था, तो चलो दक्षिणेश्वर घूम के आए। एक और जगह जाएंगे, वो तो ब्लॉग के अंत में आप लोग देखोगे। तो देखते हैं क्या होता है, टूर कीजिए आप दक्षिणेश्वर टेम्पल का, काली माता का। चलिए अब जान लेते हैं दक्षिणेश्वर आने के बाद आप कैसे मंदिर प्रांगण तक जा सकते हो। बहुत बार ये देखा गया है जो लोग पहली बार दक्षिणेश्वर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जगह थोड़ी सी उलझी हुई होती है। लेकिन 2018 साल के बाद ऐसी उलझन से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक स्काईवॉक की स्थापना की गई। सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर आइए। ऊपर आने के बाद बाएं तरफ मुड़ के सीधा अंत तक चलते रहिए। बीच में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको, आप वहां से पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। अगर आप स्काईवॉक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम जर्नी एक्सप्रेस पूरी कोशिश के साथ आप सभी को इस स्काईवॉक की विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो नए दोस्तों से ये निवेदन है, जर्नी एक्सप्रेस में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ रिजर्वेशन कर लीजिए और वीडियो को देखते हुए लाइक शेयर करना मत भूलिए और आपकी बातें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। 5 नवंबर 2018 में दक्षिणेश्वर स्काईवॉक की उद्घाटन की गई। ये स्काईवॉक 340 मीटर लंबा है और 10.5 मीटर चौड़ाई है। पूरी स्काईवॉक को कांच और स्टील के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। कुल मिला के 14 एस्केलेटर्स इस स्काईवॉक के साथ जुड़े हुए हैं।
स्काईवॉक के ऊपर 137 स्टॉल्स आप सभी को देखने को मिलेगी, जहां से आप सभी पूजा के सामग्री खरीद सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये स्टॉल्स उन गरीब हॉकर्स को दिया गया है, जिन्हें आप कभी ना कभी मंदिर जाने की रास्ते में शायद देख चुके हो। इस स्काईवॉक की डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी सौंपा गया था दिल्ली बेस्ड एक आर्कियोलॉजिकल फर्म को, जिसका नाम है डिज़ाइन फोरम इंटरनेशनल। प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया गया है कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। 2016 की अंतिम चरण में स्काईवॉक का काम शुरू किया गया और 2018 की फेस्टिव सीजन में ये काम खत्म हुआ। दक्षिणेश्वर रानी रासमणि स्काईवॉक में लोगों के चलने के लिए काफ़ी खुली जगह को रखा गया, ताकि हम सभी बहुत सरलता से मंदिर तक जा सके। स्काईवॉक को इस तरह बनाया गया है जिससे मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को सड़क मार्ग का कम से कम उपयोग करना पड़े, इसलिए स्काईवॉक को दक्षिणेश्वर स्टेशन की फुटब्रिज से जोड़ा गया। इसके अलावा सड़क से आने वाले के लिए निर्धारित स्थानों पे एस्केलेटर और एलिवेटर की सुविधा दी गई। स्काईवॉक के ऊपर जगह जगहों पे सीसीटीवी और पुलिस चौकी दिया गया है। इसके अलावा भी इस स्काईवॉक में आपको फायर सेफ्टी अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ कुछ इमरजेंसी एग्जिट गेट भी मिलेंगे। एक सूत्र से पता चला है कि हर साल लगभग 1.4 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए इस स्काईवॉक की संरचना की गई। स्काईवॉक से उतरते ही आपको मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार मिल जाएगी। मंदिर में प्रवेश करने के बाद बाएं तरफ कार पार्किंग एरिया है। जो लोग गाड़ियों से यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप सभी को इस एरिया में कार पार्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप सभी को अपने जूते और मोबाइल्स काउंटर में जमा करना पड़ेगा। सन 1855 की 31 मई स्नान यात्रा के दिन सर्वप्रथम काली माता की मूर्ति की स्थापना की गई। ये मंदिर उस समय श्री श्री जगदेश्वरी महाकाली मंदिर के नाम से जाना जाता था। रामकुमार चट्टोपाध्याय इस मंदिर की मुख्य पुरोहित हुआ करता था। उनके बाद उनका छोटा भाई गदाधर चट्टोपाध्याय यानी कि श्री रामकृष्ण जी यहाँ के मुख्य पुरोहित का पद संभाला। मूर्ति स्थापना के दिन भारतवर्ष की विभिन्न प्रांत से 1,00,000 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। रामकुमार चट्टोपाध्याय की देहांत के बाद इन मंदिरों की दायित्व रामकृष्ण जी और उनकी पत्नी माता शारदा देवी के ऊपर आ गए। अभी आप जो रामकृष्ण परमहंस जी की बड़ी सी तस्वीर एक बिल्डिंग में लगा हुआ देख रहे हो, ये एक गेस्ट हाउस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन इसके बगल में ही एक और बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ के पुरानी गेस्ट हाउस है। दर्शनार्थी यहाँ पे ठहर भी सकते हैं दक्षिणेश्वर घूमने के लिए। तो आप आइए, आने के लिए बहुत से रूटे हैं। ट्रेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, बाई कार आ सकते हो, जीटी रोड से आ सकते हो। एनी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। सेंट्रलाइज लोकेशन पे है, काफ़ी अच्छा जगह है, रेकमेंड करते हैं। आप आइए, दर्शन कीजिए माँ काली के। ये जो इमारत आप सभी देख रहे हो, कृपया इसे मंदिर समझने की भूल मत करना। ये मंदिर नहीं है, बल्कि मंदिर की अनुकरण में बनाया गया दक्षिणेश्वर स्टेशन है। इसके अंदर आपको टिकट काउंटर मिलेगी,
बंगाल के एक ऐतिहासिक स्थान है, ये बंगालियों के लिए काफ़ी एक महत्व रखता है ये जगह, आप इंजॉय कीजिए, ये रिकमेंड करेंगे आप। तो फिर ये वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर आप चले आइए घाट की ओर, यहाँ आप स्नान भी कर सकते हो। स्नान कर लेने के बाद पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पूजा दीजिए। पूजा देने के लिए आपको लाइन से आना होगा। फेस्टिव सीजन में ये लाइन काफ़ी बड़ी होती है। तब आप सभी को धैर्य और सहनशीलता की परिचय देने होंगे। पूजा देने के बाद आप मंदिर की आसपास की इलाका में घूम सकते हैं। अगर सुबह की नाश्ता करना चाहते हैं, ये जो दुकानें आप सभी देख रहे हो, ये आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। नहोबत नाम से प्रसिद्ध एक संगीत कक्ष की दक्षिणी ओर माता शारदा देवी एक छोटी सी कक्ष में रहा करती थी। ये मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणेश्वर की मंदिर सन 1855 में रानी रासमणी के द्वारा स्थापना की गई। बाद में रामकृष्ण परमहंस जी जब यहाँ पे आए, तब से इस मंदिर की भव्यता, लोकप्रियता और आध्यात्मिकता दिन ब दिन बढ़ती गई। इस मंदिर के अलावा भी यहाँ पे 12 शिव मंदिर और एक राधा कृष्ण के मंदिर देखने को मिलती है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको इन सब मंदिरों की दर्शन नहीं करवा सकते। देवाशीष काफ़ी पसंद करते हैं ये सब जगह में आने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है ना? यहाँ पे पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ है और जगह देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद आप स्काईवॉक की तरफ आइए, फिर दाहिने तरफ आपको भवतारिणी घाट जाने की रास्ता मिलेगी। इस रास्ते में सीधा चलते रहिए। चलते हुए आप सभी को खरीदारी के लिए कुछ दुकानें भी देखने को मिलेगी। अगर चलना पसंद नहीं है तो आप घाट जाने के लिए 10 रुपये देकर ऑटो में भी जा सकते हो। कुछ देर चलने के बाद घाट आपके नज़दीक में होगी। यहाँ से नदी के उस पार जाने के लिए टिकट काउंटर से हरेक के हिसाब से 11 रुपये की टिकट खरीद लीजिए। नदी के उस पार बेलुर मठ है। Thank you.
बोट में चढ़ने के बाद आपको 10 से 15 मिनट की समय धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नदी के उस पार बेलूर मठ फेरी घाट तक पहुंच पाओगे। इस बीच बोटिंग का मजा लेते रहिए और गंगा नदी की भव्यता और सौंदर्य को महसूस करते रहिए। अभी जो दृश्य आप सभी को हम दिखा रहे हैं वो बेलूर मठ की है। जरा महसूस कीजिए कि कितना सुंदर है। बेलूर मठ की नींव स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित हुए थे। सन 1938 में इसकी संरचना संपूर्ण हुई। वर्तमान में ये मठ हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और रामकृष्ण मठ एंड मिशन की निगरानी प्राप्त है। इस मठ की कारीगरी हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म के कलाओं से प्रभावित है, इसलिए ये संरचना सारे धर्मों के एकता की सूचक बनते आया है। अंत में यही आशा करता हूँ कि हमारे ये प्रयास आप सभी को अच्छी लगी। जल्दी मिलेंगे किसी और जगह के साथ। अगर आपने ये व्लॉग अंत तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। ऐसे हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी व्लॉग्स लेके आते हैं आप सभी के लिए। तो जो कलकत्ता घूमने आएंगे ज़रूर दक्षिणेश्वर टेम्पल घूमने आइए।